ठीक है दोस्तों, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का यूनिट 5 है। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमको बहुत अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करना और चैनल को सपोर्ट करना। तो चलिए, जो सिविल इंजीनियरिंग अकेडमी चैनल है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का कंसिस्टेंसी ऑफ सॉयल। कल तक हम लोग ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉयल क्या होता है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉयल क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है सॉयल का ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करके कि सॉयल का टाइप हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब ऐसा एक टेस्ट जिसको हम लोग डिफाइंड करके बोल पाएंगे वो सॉयल स्टीप है, हार्ड है, फाइन है, या मतलब क्लेई टाइप का है। तो किस टाइप का सॉयल है उसको हम लोग जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉयल। समझ में आया? इसके बाद देखो, एक डायग्राम और एक ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता है क्या है। तो कंसिस्टेंसी लिमिट जो होता है, स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट, यही इसका ग्राफ है। तो पहले हम लोग जानते हैं, कोई एक जगह है, मान लो ये कोई जगह है, ये जगह के अंदर कोई सॉयल को बाहर से हम लोग ड्राई सॉयल को लेकर आए। आने के बाद उसको हम लोग क्या किए, ड्राई हो सकता है या नेचुरल कंडीशन में सॉयल हो सकता है, उसको हम लोग ये जगह में डाल दिए। डालना हो गया, होने के बाद क्या करेंगे? अभी ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड मतलब ये मतलब पूरा पूरी सॉलिड कंडीशन में है, इसके अंदर कोई लिक्विड विक्विड अभी नहीं है। मान लो एनवायरनमेंट के कंडीशन से ले आए हैं तो उसके अंदर लिक्विड हो सकता है थोड़ा बहुत, मगर ड्राई सॉयल, मान लो यहाँ पर ड्राई सॉयल हम लोग ले आए हैं, तो ड्राई सॉयल के अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता है, तो इसलिए ये क्या है, सॉलिड बिहेव करता है, सॉलिड स्टेट रहता है। तो ये ग्राफ इस साइड में देखो, तो इस साइड में क्या है, वाटर कंटेंट है जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए थे कल, और इस साइड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉयल सैंपल, मतलब कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी मान लो ये जो जगह है, ये जो एरिया है, इसका वॉल्यूम मान लो भी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी है, और जो जगह के अंदर सॉयल पूरा पूरी फिलअप है, तो इसके अंदर और भी कोई वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। जितना वॉल्यूम यहाँ इसका था, इसका भी सॉयल का भी वॉल्यूम सेम है। तो एक कॉन्स्टेंट तक ये सॉयल का वॉल्यूम यहाँ पर मान लो जीरो है, तो जीरो से ही जीरो ही रहेगा क्योंकि कोई वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे, बाहर से हम लोग वाटर को ऐड करेंगे। जब बाहर से वाटर ऐड करेंगे तो वाटर नीचे में आता जाएगा, ऐसे करके नीचे नीचे करके ऊपर में पूरा पूरी फिलअप करेगा। तो इतना तक फिलअप करने के बाद, जितना तक वो सॉयल जो मतलब चीज़ दिया हुआ है सॉयल रखने के लिए, वो जब जितना तक फिलअप करेगा तब तक उसके अंदर कोई वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सॉयल का वॉइड स्पेस तो कुछ कुछ है ना, तो वो क्या करेगा, वो पानी फिलअप कर लेगा। तो उसके चलते उसके अंदर अभी तक कोई वॉल्यूम का इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो मान लो यहाँ से जीरो, पहले जीरो था, उसके बाद पानी डालते गए तो वाटर कंटेंट बढ़ता गया, तो यहाँ से हो तो ऐसा एक कंडीशन में आया जब तक उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। मान लेते हैं इतना तक उसका पानी डाल लिए, तो ये इतना स्टेट में आ गया, तो वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज़ अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ होता गया, क्योंकि जो वॉइड स्पेस है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता गया। अभी एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के बाद जब हम लोग बाहर से और भी वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो जगह है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ये जगह मतलब जगह से पानी बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो जब और भी पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, पानी मान लो इतना ऐड कर दिए तो क्या होगा, ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, तो वॉल्यूम अभी सडनली ऊपर आना स्टार्ट करेगा, वॉल्यूम ऊपर में बढ़ेगा क्योंकि उसका एरिया बढ़ रहा है। उसके बाद जब और भी हम लोग पानी ऐड करेंगे, यहाँ पर मान लो और भी पानी ऐड कर दिए, तो क्या होगा, और भी वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसे करके और भी पानी ऐड करेंगे तो और भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे करके ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ग्राफ में क्या बोला जाता है, जो चीज़ के अंदर हम लोग सॉइल को रखे हैं उसका जो एरिया है, उसका एरिया का अंदर जितना तक हम लोग सॉइल को रखेंगे, पहले उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग वो सॉइल के अंदर जब पानी डालेंगे तो जितना तक उसका एरिया है, एरिया फिलअप होने के आगे कंडीशन तक, उसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी सही था, मान लो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट बढ़ाते गए तो पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में भी क्या है, वॉल्यूम मेरा जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है, तो जीरो है। पहले ये जगह में क्या करेंगे, सॉइल को लेंगे, सॉइल को लेने के बाद क्या उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, नहीं होगा। बाहर से पानी ऐड करेंगे तो भी इंक्रीज़ नहीं करेगा। कब तक इंक्रीज़ नहीं करेगा, जब तक ये एरिया को अचीव नहीं कर ले, तो ये एरिया को जब तक अचीव नहीं कर लेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये बहता हुआ पानी होगा कि बहता हुआ सॉइल होगा क्या, नहीं होगा, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड स्टेट। उसके बाद जब और भी हम लोग पानी ऐड कराएंगे तो क्या होगा, ये जो सॉइल है ये फ्लो करना थोड़ा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मतलब थोड़ा चिपचिपाहट आएगा उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट। मतलब और भी पानी सॉलिड स्टेट को छोड़ के और भी पानी ऐड करेंगे उसके अंदर तो वो सॉइल क्या करेगा, सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद वो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर और भी हम लोग पानी ऐड करेंगे तो क्या करेगा, और भी पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टिक स्टेट में जाएगा। प्लास्टिक स्टेट मतलब क्या होता है, हम लोग जानते ही है, जो प्लास्टिक स्टेट होता है उसके अंदर हम लोग बहुत ईजिली, वो सॉइल का भी हो सकता है या अलग कोई चीज़ का हो सकता है, उसको बहुत ईजिली हम लोग
सेप दे सकते हैं। तो प्लास्टिक स्टेट को स्टेट के रहने के बाद जब हम लोग और भी पानी ऐड कराएंगे तो क्या होगा, वो पानी क्या करेगा, वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। मतलब क्या होगा, जब प्लास्टिक स्टेट के बाद भी हम लोग पानी ऐड करेंगे तो वो के सॉइल क्या करेगा, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे जैसे कि पानी फ्लो करता है वैसे सॉइल भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा ही कंडीशन होता है, मतलब पहले वाला कंडीशन में कोई वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, उसके बाद उसका जो एरिया है वो अचीव हो जाने के बाद उसमें और पानी ऐड करेंगे तो वो सेमी सॉलिड प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट में बिहेव करता है। इतना तक समझ में आया? तो कंसिस्टेंसी का यही कंडीशन है कि एक एक के बाद हम लोग चेक करते जाते हैं कि सॉइल का स्टेट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। इसके बाद आते हैं हम लोग श्रिंकेज लिमिट। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो श्रिंकेज लिमिट में क्या लिखा है, श्रिंकेज लिमिट को हम लोग डिफाइन करते हैं WS से। तो ये एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एट दैट वाटर कंटेंट व्हिच सॉइल स्टार्ट्स टू बिहेव सॉलिड टू सेमी सॉलिड स्टेट। मतलब क्या है, देखो ये तो वाटर कंटेंट है, ये वॉल्यूम है, तो एक पर्टिकुलर तक तो ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के बाद जब हम लोग और भी पानी ऐड कराएंगे तो क्या होगा, सॉइल क्या करेगा, सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। देखो WS लिखा हो रहा है, तो ये क्या है, ये इतना तक कितना है, ये यहाँ से इतना तक ये सॉलिड स्टेट में था। इसके बाद जब और भी वाटर कंटेंट ऐड करते आएंगे तो ये सेमी सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट करेगा। तो इसी स्टेट को बोला जाएगा, ये दोनों का स्टेट का बीच का जो स्टेट होगा, बीच का जो लिमिट होगा, इसी चीज़ को बोला जाएगा श्रिंकेज लिमिट। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो सॉलिड टू सेमी सॉलिड स्टेट, तो ये सॉलिड में था, सॉलिड टू सेमी सॉलिड स्टेट में गया। कब गया, जब ये वाटर कंटेंट हम लोग और भी ऐड किए, तो इसी वाटर कंटेंट को बोला जाता है श्रिंकेज लिमिट। समझ में आया? इसके बाद क्या है, श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो SR से डिफाइन कहते हैं जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है दोनों के अंदर पानी देने के बाद, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम बाय जो वाटर कंटेंट में डिफरेंस आया है, उसको बोला जाता है श्रिंकेज रेशियो। इसको और भी लिखा जाता है γD बाय γW से। तो श्रिंकेज रेशियो क्या है, कोई भी सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, ड्राई वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और क्या वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोला जाएगा श्रिंकेज रेशियो। समझ में आया? इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट देखो यहाँ पर है, प्लास्टिक स्टेट है। तो प्लास्टिक लिमिट को हम लोग डिफाइन करते हैं किस में, प्लास्टिक लिमिट को डिफाइन करते हैं WP में, ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है, देखो सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एट बाउंड्री एट व्हिच द सॉइल स्टेट्स टू बिहेव ऑन सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेट, ये लिमिट नहीं स्टेट होगा। तो सेमी सॉलिड से जब प्लास्टिक स्टेट में सॉइल बिहेव करेगा, उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे WP और प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद हम लोग ये प्लास्टिक लिमिट को कोई सॉइल के अंदर मानेंगे कैसे, कि कब सॉइल के अंदर प्लास्टिक लिमिट आया है, तो क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद सॉइल को कलेक्ट करना पड़ेगा, और कुछ कुछ परसेंट के हिसाब से वाटर को ऐड करना पड़ेगा। मान लो पहले बाहर से सॉइल को ले आए, ले आने के बाद 10%, 5%, 25% ऐसे करके हम लोग सॉइल के अंदर वाटर ऐड करते गए। करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एट दैट कंडीशन जब एक थ्रेड बनाना पड़ेगा, ऐसे करके हम लोग ऐसे करके रैप करेंगे सॉइल को ले आएंगे और पानी मिक्स करने के बाद ऐसे करके रैप कराएंगे, तो ऐसा एक थ्रेड बनना पड़ेगा। ये थ्रेड का जो डायमीटर है ये होना चाहिए 3 mm के आसपास, तो 3 mm के आसपास वो डायमीटर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऐसा जब एक 3 mm का डायमीटर हो जाएगा तो इसके अंदर जस्ट क्रैक आना स्टार्ट करेगा, तो उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट। तो क्या कैसे करेंगे, बाहर से जाएंगे, सॉइल को सैंपल कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग ऐसे करके रैप कराएंगे, रैप करने के बाद एक थ्रेड जनरेट होगा। कब जनरेट होगा, एक वाटर कंटेंट में जनरेट होगा। पहले तो उसको हम लोग थ्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उसको मान लो 5% पानी दिए, उसके बाद 10% पानी दिए, उसके बाद 15% पानी दिए, ऐसे करके हम लोग थ्रेड बनाने का स्टार्ट करेंगे। तो एक थ्रेड जब बन जाएगा कितना डायमीटर के आसपास, 3 mm के आसपास बन जाएगा, और उसमें अंदर जस्ट क्रैक आना स्टार्ट करेगा, तो उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे वो प्लास्टिक लिमिट है उस सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इसको थ्रेड टेस्ट भी बोला जाता है बहुत जगह में। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है लिक्विड स्टेट और लिक्विड लिमिट, जिसको हम लोग WL से डिफाइन किया है। तो ये डायग्राम से देखो ये क्या है, प्लास्टिक स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट क्या होता है, बिहेव्स ऑफ दैट वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल स्टार्टेड टू बिहेव्स एज प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट। मतलब ऐसा एक वाटर कंटेंट के टाइम में जब सॉइल प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट में बिहेव करेगा, मतलब कि ये क्या था, पहले प्लास्टिक है, इसके बाद लिक्विड है, और भी पानी ऐड किए, तो ऐसा एक वाटर कंटेंट रहेगा जब सॉइल क्या करेगा, प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में बिहेव करना स्टार्ट करेगा, तब उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे लिक्विड लिमिट, ठीक है, जिसको हम लोग WL से डिफाइन किए हैं। ये क्या है,
ये नो रेजिस्टेंस है, मतलब जब प्लास्टिक स्टेट में लिक्विड स्टेट में सॉयल आ जाएगा तो सॉयल क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर दे। हम क्या बोले, पहले सॉयल क्या था, पहले सॉयल था सॉलिड स्टेट में, उसके बाद क्या है सेमी सॉलिड में गया, उसके बाद प्लास्टिक में गया, फिर उसके बाद भी पानी ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, लिक्विड टाइप का बिहेव करेगा और फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है नॉन रेजिस्टेंस सॉयल कैन फ्लो, ठीक है। और जो प्लास्टिक लिमिट है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं दो मेथड में, एक को बोला जाता है कैसाग्रेंटा मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है कोन पेनिट्रेशन मेथड, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कैसाग्रेंटा मेथड। तो कैसाग्रेंटा मेथड क्या होता है, कैसाग्रेंटा मेथड क्या होगा, कैसाग्रेंटा ऐसा एक टूल्स होता है, यहाँ पर एक ऐसा एक टाइप का एक कंटेनर लगाया जाता है, यहाँ पर हैंडल है, हैंडल घुमाया जाता है ऐसे करके, और ये क्या है एक रबर ग्रुप्स है, रबर ग्रुप्स के अंदर वो कंटीन्यूअसली ऐसे करके घुमाएंगे तो मतलब कंटीन्यूअसली वो ब्लोज देता जाएगा। और ये क्या है कैसाग्रेंटा नाइफ है, ये क्या है, ये ग्रुप्स है, कैसे प्रोसीड्योर किया जाता है, बाहर में जाते हैं, जाने के बाद सॉयल सैंपल को कलेक्ट कर लेना पड़ता है, और क्या करेंगे एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, पहले 5% ऐड करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो 10% ऐड करेंगे, उसके बाद 15% वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग टेस्ट कराएंगे। तो जब क्या करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसको मिक्स करने के बाद ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर हम लोग मिक्स कराएंगे, करने के बाद ये जो कैसाग्रेंटा टूल्स है उसको हम लोग ऐसे करके स्ट्रेटली ऐसे करके हम लोग उसको काट लेंगे, काटने के बाद ऐसे ग्रुप्स बनता है, इसको ग्रुप्स बोला जाता है। ये ग्रुप्स का जो ये जो डायमीटर है या एरिया है जो ये है इसका जो है ये 2 mm का डाया का जो ग्रुप्स बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, एट दैट वाटर कंटेंट, जब एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में 25 नंबर ऑफ ब्लोज, जब ये इसको घुमाएंगे तो 25 बार घुमाने के बाद जब ये दोनों ग्रुप्स एक साथ अटैच कर जाएगा, उस वाटर कंटेंट में हम लोग मानेंगे कि ये जो हम लोगों का लिक्विड लिमिट मिला है वो कैसा, वो सॉयल के लिए ठीक ठाक रहेगा, अदरवाइज़ हम लोग फिर से रिजेनरेट करके टेस्ट को करना पड़ेगा। तो इसका मेन फंडा क्या है, कैसाग्रेंटा टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे कैसाग्रेंटा टूल्स में नंबर ऑफ ब्लोज 25 आना चाहिए, कब आएंगे, एक वाटर कंटेंट ऐड कर, अलग अलग वाटर कंटेंट हम लोग ऐड करेंगे, जब देखेंगे जिस वाटर कंटेंट के अंदर 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कारण मेरा जो ग्रुप्स है दोनों एक साथ मीट कर रहा है, ऐसे करके मीट कर रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उस वाटर कंटेंट ही है उसका लिक्विड लिमिट, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो कोन पेनिट्रेशन मेथड क्या है, ऐसे करके एक कोन पेनिट्रेशन का एक टेस्ट मशीन रहता है, तो इसके अंदर क्या है नीडल रखा जाता है और सॉयल सैंपल को हम लोग सेम प्रोसीड्योर से 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे करके अलग अलग वाटर कंटेंट में चेक करते हैं। चेक करने के बाद क्या करना पड़ता है, इसका कंडीशन है 30 सेकेंड के अंदर जब वो सॉयल के अंदर ये नीडल 25 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, उस वाटर कंटेंट को ही पकड़ लेना है वो सॉयल का लिक्विड लिमिट। तो दोनों का प्रोसीड्योर समझ में आया, कैसाग्रेंटा में क्या हो रहा है, कैसाग्रेंटा में इसको घुमाया जाता है, कितना नंबर ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लोज में घुमाया जाता है, जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के अंदर जितना वाटर कंटेंट के चलते वो ग्रुप्स एक साथ मीट कर रहा है, उस वाटर कंटेंट को बोल रहा है वो सॉयल का लिक्विड लिमिट। और कोन पेनिट्रेशन मेथड में क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक वाटर कंटेंट के अंदर 30 सेकेंड्स में 25 mm का जो पेनिट्रेशन होता है उस वाटर कंटेंट को बोला जाता है वो सॉयल का कोन पेनिट्रेशन मेथड का लिक्विड लिमिट, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो, जो हम लोग ये जो टेस्ट कैसाग्रेंटा जो टेस्ट पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट के अंदर क्या होगा, ये टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ ब्लोज रहता है, इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लोज रहता है और क्या रहता है लिक्विड लिमिट हम लोग का वाटर कंटेंट रहता है। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है जिसको फ्लो इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। तो फ्लो इंडेक्स कैसे मिलता है, फ्लो इंडेक्स क्या है, यहाँ पर वाटर कंटेंट W1 है, यहाँ पर W2 है, यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है। तो मान लो पहले क्या किया हम लोग, पहले एक चीज़ बोल देते हैं, जितना वाटर मिक्स करेंगे कोई सॉयल के अंदर उतना ही कम हमको ब्लोज देना पड़ेगा, क्योंकि जितना वाटर मिक्स करेंगे उतना ही सॉयल क्या हो जाएगा, सॉयल उतना ही लूज हो जाएगा, तो इजीली वो क्या करेगा, जब कंटिन्यूसली वो ब्लोज देगा इस ऐसे करके यहाँ पर घुमाएंगे, तो यहाँ पर जब ब्लोज देगा तो बहुत ईजिली वो अटैच कर जाएगा। तो मान लो यहाँ पर क्या करिए, एक वाटर कंटेंट ज़्यादा दे दिए, तो वाटर कंटेंट ज़्यादा देने से हम लोगों का जो नंबर ऑफ ब्लोज है कम मिलता है, इसीलिए ये कम रीडिंग देता है। और जब वाटर कंटेंट हम लोगों का कम देते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लोज भी हमको ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो फ्लो इंडेक्स होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं IF से। IF क्या होता है, जो भी वाटर कंटेंट का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज, इसको ही बोला जाता है IF। कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर कंटेंट ऐड करेंगे तो कम ब्लोज आएगा, तो उसका एक
ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद जब कम वाटर कंटेंट देंगे उसका ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज आएगा उसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर से जो भी हम लोगों का लाइन मिलेगा ऐसा करके दो पॉइंट के अंदर, तो यही होगा वो सॉइल का फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स इक्वल्स टू क्या होता है, जो वाटर कंटेंट का डिफरेंस डिवाइड बाई लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, इसके बाद देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है आईपी से, तो आईपी इक्वल्स टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये क्या है, देखो ये डायग्राम हम लोग और एक बार देखते हैं। तो प्लास्टिक पहले देख लेते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अंदर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अंदर क्या होता है, आईपी इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये क्या बोला गया है, एट दैट रेंज ऑफ वाटर कंटेंट सॉयल बिहेव्स प्लास्टिक, मतलब एक वाटर कंटेंट का रेंज है जहाँ पर सॉयल प्लास्टिक बिहेव करता है उसी रेंज को बोला जाता है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये डायग्राम देखो, तो प्लास्टिसिटी जो प्लास्टिक स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट कहाँ से कहाँ है, ये लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के अंदर है। तो लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के अंदर ही हमको जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिल रहा है, तो इसी स्टेट को बोला जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये डायरेक्टली पीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा करके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कब जीरो होगा, जब सॉयल हम लोग नॉन प्लास्टिक बोलेंगे। मतलब क्या होगा, सॉयल जब नॉन प्लास्टिक होगा तब प्लास्टिसिटी का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो प्लास्टिसिटी रहेगा नहीं तो वो क्या है, वो पानी को पकड़ सकता है क्या, नहीं पकड़ सकता है। तो वो उस टाइम में क्या बिहेव करेगा, सैंड लाइक बिहेव करेगा। क्योंकि प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, ऐसा एक कंडीशन जब हम लोग उस चीज़ को इजीली मोल्ड कर पाएंगे। तो जब प्लास्टिसिटी उसके अंदर नहीं रहेगा, प्लास्टिसिटी ही जीरो रहेगा, तो वो मोल्ड करने का कंडीशन में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो उसीलिए सैंड को हम लोग बोलते हैं जब प्लास्टिसिटी का वैल्यू जीरो आता है। समझ में आया। उसके बाद जीरो से सेवन जब होता है रेंज प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, तब उसको बोलते हैं लो प्लास्टिक। सेवन टू सेवनटीन जब होता है तब उसको बोलते हैं मीडियम प्लास्टिक। जब सेवनटीन से ज़्यादा होता है तब उसको बोलते हैं हाई प्लास्टिक। और एक चीज़, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो क्या होता है, प्लास्टिसिटी के कारण इजीली रिमोल्ड कर सकते हैं, इजीली हम लोग उसको मुझे नया शेप दे सकते हैं। और एक चीज़, जितना स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा कौन कंडीशन में, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स के कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम लोग लिखते हैं आईसी से। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लिक्विड लिमिट तो ग्राफ से ही पता चल गया है, प्लास्टिक लिमिट भी ग्राफ से पता चल गया। नॉर्मल वाटर कंटेंट क्या होता है, जो बाहर का सॉयल है, बाहर का सॉयल तो वाटर प्रेजेंट रहता है या नहीं रह सकता है, जो भी कंडीशन में रहता है, खुला कंडीशन में रहता है, तो उसी कंडीशन को बोला जाता है नॉर्मल वाटर कंटेंट। जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स का वैल्यू कब जीरो से कम हो सकता है तब उसको लिक्विड स्टेट बोल सकते हैं, जब जीरो से 0.25 के अंदर रहेगा तब उसको वेरी सॉफ्ट बोलते हैं, जब 0.25 से 0.5 के आसपास रहता है तब उसको सॉफ्ट बोलते हैं, जब 0.5 से 0.75 तक रहता है तब उसको मीडियम स्टीप बोलते हैं, जब 7.5 से 0.75 से 1 तक रहता है तब उसको हाईली स्टीप बोलते हैं, और 1 से जब ज़्यादा रहता है तब उसको बोलते हैं रिगिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज है लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को क्या आई एल से डिफाइन किया जाता है, तो आई एल इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, आई एल इक्वल्स टू या लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कंसिस्टेंसी इंडेक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस डब्ल्यू ऑफ परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक हो, इसके बाद टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स को डिफाइन करते हैं आई टी से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो होता है आई पी, हम लोग जानते ही है क्या है वो, और फ्लो इंडेक्स होता है आई एफ। फ्लो इंडेक्स हम लोग देखे हैं कि वाटर कंटेंट का डिफरेंस डिवाइड बाई लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज। इसके बाद क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी हम लोग पहले ही देखे थे कि रिलेटिव डेंसिटी को तो आर डी से डिफाइन किया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई न्यूट्रल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इसके बाद थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, मान लो तुम बाहर में जाओ, एनवायरनमेंट के बाहर में गए, गिरने के बाद क्या किए, कई जगह को डिग किए, डिग किए मतलब खोड़ लिए, खोड़ने के बाद क्या हुआ, सॉयल सैंपल को उठा लिए, उठा लेने के बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो सॉयल सैंपल को फिर से वहाँ पर रख देंगे। तो जब वो सॉयल सैंपल तो पहले स्टेबल था, मान लो यहाँ पर गए तो यहाँ पर कोई सॉइल को अभी खुड़ा नहीं, तो ये सॉइल स्टेबल कंडीशन है, इसके स्ट्रेंथ भी सेम है, प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, सब कुछ सेम है। अभी क्या करेंगे, इसको जब खोल लेंगे, यहाँ से मान लो इसको खोल लिए, खोलने के बाद क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज़ अलग हो गया, उसके अंदर वॉइड रेशियो चेंज हो गया, मॉइस्चर कॉन्टेंट चेंज हो गया, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी चेंज हो गया,
तो ये और क्या, ये अनडिस्टर्ब कंडीशन में चलाया, पहले ये सॉरी ये पहले क्या था, पहले अनडिस्टर्ब कंडीशन में था जब खोड़े नहीं थे, अब जब खोड़ दिए, खोड़ने के बाद ये क्या डिस्टर्ब कंडीशन में सॉइल आ गया। तो ये रिमोल्डेड सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, ये रिमोल्डेड जो सॉइल हम लोग निकाले हैं उसको फिर से हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। तो टिक्सोरोबी का कॉन्सेप्ट ही है, बाहर में जाना है, जाने के बाद क्या होता है उसका सॉइल को हम लोग खोदना है, खोदने के बाद क्या होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी चेंजेस तो हो ही जाएगा, उसके बाद वही सॉइल को वो जो जगह में से खोड़ा थे वहाँ पर रख देना है। तो टिक्सोरोबी क्या बोलता है, टिक्सोरोबी एज पर टिक्सोरोबी नॉलेज या मेथड वो क्या बोला जाता है, जहाँ से वो चीज़ को खोड़ा गया था फिर से वहाँ पर रख देने के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद या कुछ टाइम के लॉन्ग टाइम के बाद वो सॉइल क्या होता है फिर से वो स्ट्रेंथ और वो प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है टिक्सोट्रॉपी। ठीक है, इसके बाद क्या है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी को ST से डिफाइन किया जाता है। तो ये है अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। UCS क्या होता है, अनडिस्टर्ब जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, अनडिस्टर्ब मतलब क्या है, अनकॉन्फाइंड मतलब है क्या, ऐसा है मान लो ये कोई सॉइल सैंपल है, अनकॉन्फाइंड है मतलब ये कोई बाहर से घेरा नहीं है, ये ओपन है। तो ओपन होने के कारण ये यहाँ से पानी बाहर भी जा सकता है, पानी अंदर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो इसी कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं अनकॉन्फाइंड, मतलब कॉन्फाइंड मतलब घिरा रहना, उसको ब्लॉकेज करके रखना, जगह को एरिया को घर कर रखना। और अनकॉन्फाइंड क्या होता है, वो ओपन टू सोर्स है, ओपन सोर्स के कारण वो एंट्री भी कर सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो ऐसा एक सॉइल सैंपल होगा जो अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, अनडिस्टर्ब मतलब खोदे नहीं है, प्लेन सर्फेस के अंदर जो सॉइल है, तो वो सॉइल को हम लोग सॉइल के रिस्पेक्ट में जब हम लोग अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ डिस्टर्ब सॉइल को हम लोग यहाँ पर मान लो ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तब इसका अनडिस्टर्ब कंडीशन है, इसको हम लोग खोदे नहीं, तो इसके रेस्पेक्ट में जब ये खोदने वाला जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा इसको हम लोग करेंगे तब वो सॉइल का सेंसिटिविटी निकल के देगा। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर क्या होता है, एक्टिविटी नंबर को AC से डिफाइन किया जाता है, जो होता है IP बाय परसेंट ऑफ क्ले साइज पार्टिकल्स। तो क्ले साइज हम लोग बोलेंगे तो क्ले साइज का जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, लेस देन 2 माइक्रॉन्स। तो IP बाय परसेंट ऑफ फाइनल जो पार्टिकल्स होता है लेस देन 2 माइक्रॉन्स को करेंगे तो एक्टिविटी नंबर मिलेगा सॉइल का। और क्या 0 to 7.5 तक होता है इनएक्टिव, जब 0.75 से 1.25 होगा तब होगा वो नॉर्मल, जब 1.25 से ज़्यादा होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव। इसके बाद और दो चीज़ है जिसको हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता इसके बाद है क्ले मिनरल। तो क्ले मिनरल को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्ले मिनरल कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, क्ले मिनरल के कारण ही कोई सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के अंदर सीवलिंग श्रिंकेज दिखाई देता है। सीवलिंग क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़े थे कि जो सॉइल के अंदर जो सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के अंदर या जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है जिसको बोलते हैं सीवलिंग, जब वही चीज़ के अंदर से पानी निकल जाता है उसको बोलते हैं श्रिंकेज। तो अफेक्टेड करता है क्ले मिनरल ये दोनों के कारण, ठीक है, दोनों के कारण मेरा स्ट्रेंथ भी कमता है सॉइल के। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स दो टाइप का होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल सीट्स जिसको हम लोग सिलिका सीट्स बोलते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल सीट्स जिसको हम लोग एलुमिना सीट बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल सीट्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल मतलब ये हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल ऐसा करके एक शेप देता है और इसके अंदर 4 ऑक्सीजन्स और 1 सिलिका रहता है, और ऑक्टागोनल तो रहता है ऑक्टागोनल टाइप का, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्ले मिनरल जो पढ़ेंगे, तो क्ले मिनरल तीन टाइप का क्ले मिनरल पढ़ेंगे, एक होता है केओलिनाइट, एक होता है मॉल्ट मोलोनाइट, एक होता है इलाइट। तो पहले जब हम लोग जानेंगे केओलिनाइट, केओलिनाइट क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 1:1 क्ले मिनरल कौन सा होता है, तो वहाँ पर होगा 1:1 क्ले मिनरल जब बोलेगा तब होगा वो केओलिनाइट। तो केओलिनाइट का जो स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन क्या होता है, वो सिलिका, एक सिलिका सीट और एक एल्यूमिनियम सीट रहता है, एक सिलिका सीट एक एलुमिना सीट रहता है, और वो दोनों सिलिका के बीच में जो बॉन्डिंग रहता है वो होता है एच बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण उसके अंदर पानी नहीं एंटर कर पाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो ये क्ले मिनरल होता है ये बहुत ज़्यादा लो श्रिंकेज और लो सीवलिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब पानी ही नहीं अंदर आ पाएगा तब वो सीवलिंग भी नहीं कर पाएगा, श्रिंकेज भी नहीं कर पाएगा। तो केओलिनाइट क्या है, 1:1 मिनरल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉल्ट मोइलोनाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव मटेरियल्स है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ये इसको बोला जाता है 2:1 क्ले मिनरल, जिसके अंदर सिलिका एक एलुमिना उसके बाद सिलिका, और दोनों के बीच में क्या होता है वैंडर वाल्स जो कनेक्शंस रहता है, वैंडर वाल कनेक्शंस के कारण ये क्या होता है बहुत ज़्यादा लूज होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होता है,
टू सिलिका वन एलुमिना स्मॉल साइज का पार्टिकल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल साइज के कारण इसके अंदर प्लास्टिसिटी, एक्टिविटी और अदर्स भी जो भी सॉइल का प्रॉपर्टी रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है वही जो होता है मॉल्ट मोनोनाइट, जिसका साइज सबसे कम होता है, साइज कम और प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा। और इसके अंदर कनेक्शन क्या होता है, वैंडरवाल कनेक्शन रहता है। और इलाइट क्या होता है, इलाइट टू सिलिका एंड वन एलुमिना सीटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये दोनों के अंदर क्या होता है, कैटायन रहता है, ये दोनों के अंदर कैटायन रहता है, ये भी एक्टिव मटेरियल रहता है, मतलब मगर इससे ज़्यादा, इससे इस टाइप का नहीं। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है मोनोनाइट, उसके बाद इलाइट, उसके बाद केओलिनाइट, ठीक है, समझ में आया। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।